हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। राम जी की पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। मुझे बताया आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, पर सच बताऊं भाई, नाराज़ होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। सच में दिक्कतें हद से ज़्यादा है, बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता, हद से ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। पर फिर भी अब जब जो आपसे वादा कर रखा है उसको पूरा करना है। राम जी की पाठशाला उसके लिए कृत संकल्पित है, कटिबद्ध है और पूरा करेंगे। एक बात मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामीण परिवेश में अब कुछ ज़्यादा बचा नहीं है। मैंने मैक्सिमम चीज़ें बहुत ब्रीफली, बहुत तरीके से, बहुत अच्छे से आपको पढ़ा दी हैं। और मैं अब देखो, अब बार बार चीज़ें होती रहती हैं, पर आपको चिंता मानने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये महीना ख़त्म होते होते है ना, 31 तारीख मई चल रहा है, 31 मई है, 31 मई तक 99.99% सब कुछ लपेट दूंगा। चाहे अब मुझे दो दो वीडियो डालनी पड़े, आप इसमें परेशान ना हो, एक वीडियो सुबह एक वीडियो शाम, चाहे मुझे किस तरह भी करना है मैं करूंगा, आप चिंता ना करिए। हो सकता है बस एक दो दिन ऊपर हो जाए और उसके बाद, अभी देखो आपको एक गुड न्यूज़ भी मैं दूंगा, उसके बाद हम 1 तारीख से आपकी दावड़ तोड़ प्रैक्टिस करवाऊंगा ग्रामीण परिवेश की, हिंदी की और जीएस की, ठीक है। तो बस आप लोग साथ बने रहिए, जो विश्वास आपने दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जो आपने धैर्य दिखाया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राम जी की पाठशाला सदैव आपका चेता बना रहे, इसी की मैं आपसे कामना करता हूँ, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट बात यह, प्रॉब्लम सब आपको पता है, सब चीज़ चल रही है, अब उनका निदान अब होने, मतलब जो स्वास्थ्य है वो परिवार में थोड़ा थोड़ा हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है UPSI वाला मुद्दा बहुत बुरी तरह से चल रहा था, बहुत मतलब बच्चे परेशान हैं उसमें, और बस टेक्निकल प्रॉब्लम है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब प्रॉब्लम्स हटाते हुए साथ में एक ये भी है कि अब लेखपाल वाला मुद्दा हाईकोर्ट में थोड़ा सा टाइटली आयोग को खींच रहा है हाईकोर्ट, तो हो सकता है एग्जाम भी थोड़ा आगे पीछे हो जाए, तो उस चीज़ के लिए भी आप लोग तैयार रहिए। पर हम लोग स्वास्थ्य योजनाएँ पढ़ रहे थे और लास्ट वाली वीडियो में मैंने स्वास्थ्य नीतियां वगैरह सब चीज़ आपको क्लियर कर दी थी। आज मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट स्वास्थ्य योजनाएं, हेल्थ स्कीम्स बताने वाला हूं। आप मोटा मोटा इनको देख लीजिए, इनमें से आपको क्वेश्चन मिलने के चांसेस हैं। राम जी की पाठशाला पढ़े ही चीज़ों को देर देर में धीरे धीरे सब चीज़ें करवाता है, बट कराता है ठोस, ठोस काम दिखावा कम, ठीक है। ये काम, ये राम जी की पाठशाला की टैगलाइन आप रख सकते हैं, ठोस काम दिखावा कम, ये आए है ना। तो अभी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आज लगभग 6 योजना आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, बहुत प्रसिद्ध योजना है केंद्र सरकार की, आयुष्मान भारत। बाकी आयुष्मान आयुष्मान कार्ड आपने देखा होगा और आप सबको ये पता होगा कि सरकार की तरफ से 5 लाख रुपए तक का आपको स्वास्थ्य बीमा दिया जाता है, 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा आपको दिया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो जो आयुष्मान भारत है, आप सबको पता है इसके बारे में, ये सन 2018 में ये योजना चलाई गई थी। और इस योजना की एक खास बात ये है कि ये योजना पूरे विश्व की आज तक की सबसे बड़ी हेल्थ केयर योजना है, आज तक की सबसे बड़ी। ऐसी योजना विश्व में और भी आई, परंतु जितने बृहद स्तर पर, जितने बड़े स्तर पर, जितने बड़े लेवल पर ये चीज़ें की गई, ऐसा आज तक हुआ नहीं है। आज तक भूतो तो नहीं हुआ, भविष्य ही हो जाए और भारत में ही हो, अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, ऐसी तो मन में रहती है। उद्देश्य क्या है, देखो किसी भी योजना में आपको क्या चीज़ याद रखनी है, एक तो योजना, योजना चालू कब हुई, और योजना से संबंधित अगर कोई अलग से बात है, कुछ विशेष बात है तो वो, और उस योजना का उद्देश्य, ठीक है। ये चीज़ें आपको मुख्य मुख्य याद रखनी है। अब उद्देश्य क्या है कि जो BPL परिवार है, BPL क्या होता है, बिलो पॉवर्टी लाइन, यानी कि ऐसे समाज में ऐसे परिवार जो गरीबी रेखा के नीचे रह रहे हैं, उन लोगों को और साथ में आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए इस योजना को चालू किया गया। देखो आपको बताया कि जीवन में कभी भी दिक्कतें आ जाती हैं, जैसे हमारे साथ ही हुआ, सब कुछ ठीक था, फिर एकदम से प्रॉब्लम एकदम हमारे सामने आ गई। तो ये जीवन की स्थितियां हैं, कभी भी जीवन में कुछ भी हो सकता है, और स्वास्थ्य तो ऐसी चीज़ है कि वो कभी भी बिगड़ सकता है, कभी भी उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। एक मिनट में कुछ हो जाता है, अभी भला चंगा बैठा आदमी, दूसरे क्षण बीमार हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो लोग संपन्न हैं उनको तो प्रॉब्लम नहीं है, वो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, 5, 10, 15, 20 लाख रुपए खर्च करना उन लोगों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु जो एक गरीबी रेखा से नीचे रहने वाला व्यक्ति है, और या आर्थिक रूप से बहुत पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, बहुत कमज़ोर व्यक्ति है, उसके लिए बहुत बड़े बड़े खर्चे कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। हालांकि उन लोगों के लिए सरकारी अस्पतालों की सुविधाएँ हैं, परंतु वहाँ भी
ऐसे ऐसे कुछ इलाज होते हैं, ऐसे टेस्ट होते हैं जहां पर आदमी को धन खर्च करना ही पड़ता है, और ऐसी स्थिति में उन लोगों को अभाव ना हो इसके लिए केंद्र सरकार ने आयुष्मान भारत जैसी अमृत योजना को लागू किया, ठीक है। और इसमें प्रावधान क्या है कि प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने का क्या है प्रावधान है, ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है। अगला जो हमारा योजना है या कार्यक्रम आप कह सकते हैं वह है राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम, यानी कि ऐसा कार्यक्रम जो देश में जो किशोर हैं, अब किशोर किसको कहते हैं, किशोर उसे कहते हैं जब बाल्यावस्था से ऊपर हो जाता है, बाल है ना, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले शिशु पैदा होता है, उसके बाद बाल्यावस्था आती है, उसके बाद मतलब ऐसे ऐसे बढ़ती रहती हैं चीज़ें, ठीक है। तो एक अवस्था है जो 10 से 19 साल तक के बीच की, इसको सामान्यतः किशोर माना जाता है। क्या माना जाता है, किशोर, कि भाई किशोर अवस्था है। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो 10 से 19 साल तक की जो अवस्था है ये ही पूरे जीवन को निर्धारित करती है। इसी में अच्छे संस्कार मिलना, अच्छी शिक्षा मिलना, स्वास्थ्य का ध्यान रखना, सब मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना, हर चीज़ का पोषण का ध्यान रखना, अगर ये सब चीज़ें ठीक से हो जाएं, अच्छा परिवेश उस बच्चे को मिल जाए, तो वह व्यक्ति निश्चित रूप से एक स्वस्थ सभ्य एवं सामाजिक व्यक्ति एवं नागरिक बनकर निकलेगा। तो उसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए देश के भविष्य को संवारने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम चालू किया गया सन 2014 में, और इसके उद्देश्य क्या थे कि जो सभी किशोर भारत में किशोर जो भी हैं, किशोर हैं, किशोरियाँ हैं, देखो आपको पता होगा कि सामान्यतः राधा जी जो हैं, ये थोड़ा सा मतलब हटके थोड़ा टॉपिक है, बस 30 सेकंड लूँगा, राधा जी जो हैं, सीता जी जो हैं, कई बार उनको लोग बोलते हैं किशोरी, ठीक है। ऐसा मतलब हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में सब चीज़ें मानी जाती है कि जो भगवान हैं, है ना, यदि उन्होंने उनको किसी ने देखा, यदि नहीं उनको जिन की देखा है, बहुत लोगों ने देखा है, रैदास जी ने देखा है, मीरा ने देखा है, कबीर जी ने देखा है, आप कबीर जी की बात आप हजम नहीं करेंगे पर कोई बात नहीं, तमाम लोग हैं, नरसी जी ने देखा है, नामदेव जी ने देखा, तमाम भक्तों ने देखा, तुलसीदास जी ने देखा है, सूरदास जी ने देखा है, तो उन्होंने बताया कि वो नित्य नवीन बने रहते हैं और किशोरावस्था में रहते हैं, 16-17 साल की अवस्था में भगवान नित्य बने रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहा गया, किशोर कहा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो इसका उद्देश्य क्या है कि सभी किशोरों जो 10 से 19 वर्ष के हैं उनके स्वास्थ्य एवं विकास संबंधी जितने भी आवश्यकताएं हैं उनकी पूर्ति करने हेतु राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लागू किया गया, चालू किया गया, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अब ये मतलब कार्यान्वयन कैसे होता है इसमें राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम में, कि जो विद्यालय होते हैं उन विद्यालयों में जाकर छात्रों की जाँच की जाती है, और उन जांच किस तरह की जाती है अभी पता लगेगा, जांच की जाती है तथा गैर संक्रामक रोगों का पता लगाया जाता है कि भाई बच्चे को कोई गैर संक्रामक रोग तो नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज तो नहीं है, गैर संक्रामक यानी कि जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलती है, ठीक है। संक्रामक बीमारी कैसे होती है कि भाई जैसे टीबी है, संक्रामक बीमारी है, एक व्यक्ति को है दूसरे व्यक्ति को लग जाएगी, जुकाम है, नज़ला है, और जिसको माता बोलते हैं खसरा है, ये प्रॉब्लम है, ये टच में आने से फैल जाती है, जैसे कोविड था संक्रामक बीमारी थी। पर गैर संक्रामक बीमारी होती कि रहती है दूसरे को नहीं फैलती, जैसे कि कैंसर हो गया, ठीक है, ये प्रॉब्लम है ना, जैसे कि एड्स हो गया, एड्स अगर आप यौन संबंध बनाएंगे या ब्लड का फ्यूजन होगा तो होगा, पर जनरली हाथ से हाथ टच करेंगे तो नहीं फैलेगा। तो गैर संक्रामक यदि बच्चे को बीमारी है तो उन बीमारियों का पता लगाया जाना विद्यालय स्तर में जांच करने, और क्या उद्देश्य है कि इन किशोरों का पोषण ठीक से हो रहा है, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना, इनका स्वास्थ्य कैसा है, कैसा स्वास्थ्य है, इनका यौन स्वास्थ्य कैसा है, ये भी एक बहुत बड़ा आधार है कि ये सेक्सुअली ठीक हैं कि नहीं, अगर मेल है तो ये मेल के हिसाब से जो चीज़ें होनी चाहिए उस हिसाब से ठीक है कि नहीं, अगर फीमेल है तो उस हिसाब से ठीक है कि नहीं, इनकी प्रजनन क्षमता कैसी है, ठीक है, उस पर भी बहुत ध्यान रखा जाएगा, क्योंकि अगर किशोरों की प्रजनन क्षमता समाप्त हो जाएगी तो एक लॉन्ग टर्म में भारत में क्या होगा, देश में मैन पावर की कमी देखने के लिए मिलेगी, और युवा ही देश की सबसे बड़ी चीज़ होती है। अगर किशोर प्रजनन करने की क्षमता, किशोरों की प्रजनन करने की क्षमता में दिक्कत हो जाएगी तो आपको पता है कि क्या होगा, बालक पैदा नहीं होंगे और देश बनाम इस एकदम बैठ जाएगा। दूसरी बात है,
अब बच्चा नशाखोरी तो नहीं कर रहा है, इस पर लगाम लगाना ये बड़ी चीज़ है। और मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, दबाव तो नहीं है, गलत विचारधाराओं में तो नहीं है, ये सब चीज़ों पर विचार करने के लिए, उसको सुधार करने के लिए राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम को लगाया गया। उसके बाद अगली जो योजना है वह है सुरक्षित मातृत्व आश्वासन सुमन योजना। सुरक्षित मातृत्व यानी कि एक जो स्त्री है, एक जो महिला है, वो जब माँ बनने वाली है तो उसके मातृत्व को सुरक्षित रखने के लिए एक योजना चालू की गई है। और उसके मातृत्व को सुरक्षित रखने के लिए आश्वासन देना कि भाई हम आपके लिए कर रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए, आप प्रेम से रहिए, हम आपकी सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखेंगे। ये योजना सन 2019 में चलाई गई स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा। उद्देश्य क्या थे कि जो मातृ मृत्यु दर है यानी कि गर्भावस्था के दौरान जो स्त्रियों की मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी के टाइम है ना, प्रेगनेंसी के टाइम मृत्यु हो जाती है, डिलीवरी के टाइम मृत्यु हो जाती है, तो उसमें गिरावट लाना, ठीक है। और दूसरी जो शिशु मृत्यु दर है, ठीक है, बच्चा पेट में मर रहा है, ठीक है, इसको तो एक नहीं कह सकते, शिशु मृत्यु दर का होता है कि प्रति हजार बच्चों पर, प्रति हजार जीवित बच्चों पर कितने मरे हुए बच्चे पैदा हो रहे हैं, इस बात से डिसाइड होती है शिशु मृत्यु दर। तो शिशु मृत्यु दर, जन्म लेने के बाद बच्चा मर रहा है, प्रसवावस्था के मतलब डिलीवरी के दौरान बच्चा मर रहा है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए इन दोनों, माता की मृत्यु दर को और शिशु की मृत्यु दर को कम करना इसका एक प्रमुख उद्देश्य है। दूसरी बात है जो गर्भवती महिला है, ठीक है, जो गर्भवती महिला है उसका, और जो नवजात बच्चा है, नवजात मतलब अभी अभी जो पैदा हुआ है, उस बच्चे को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधाएं देने का प्रावधान ये योजना करती है। मुख्यतः लाभ इसमें क्या है, स्पष्ट लाभ क्या है, नाम है मातृत्व, तो स्पेशली महिलाओं को ही इसमें टारगेट किया जा रहा है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके गर्भकाल के दौरान, उनकी प्रेगनेंसी के दौरान, उन महिलाओं को चार बार तक जो चेकअप होता है, जो चेकअप होता है वो 4 times उनको फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस स्कीम। ये बात आपको इसमें ध्यान रखनी है, ठीक है। अभी आप लोग ये तीन ही योजना पढ़ लीजिए क्योंकि समय थोड़ा ज़्यादा हो गया है, तो कल सुबह फिर आपके पास वीडियो पहुँचेगी, 12 बजे से पहले पहले पहुँच जाएगी, गारंटी है। और अभी मैं देखूंगा, आप चिंता मत कीजिए, 31 तारीख तक 99.99% आपका काम हो जाएगा, बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे नहीं है, हल्के नहीं है भाई, थोड़ी समस्याएं रहती हैं, अकेला हूँ भाई, देखो सब काम करने पड़ते हैं, तो उम्मीद है आप लोग साथ देंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और एक दो तो मेरे को बोल रहे थे शेम ऑन यू, तो शेम ऑन यू कैसे होती है, कहाँ चिपकाऊँ शेम को, यहाँ चिपकाऊँ कहाँ चिपकाऊँ, तो ये बेकार की बातें नहीं कीजिए, आप लोग पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, हर फालतू चीज़ों से दूर रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।